संपूर्ण क्रांति विचारधारा के साथी विनोद रंजन की श्रद्धांजलि सभा आयोजित। बिहार सर्वोदय मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और गांधी निधि के सचिव विनोद रंजन की श्रद्धांजलि सभा भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में भागलपुर जिला सर्वोदय मंडल परिधि जनप्रिय लोक समिति संपूर्ण क्रांति आंदोलन मंच गंगा मुक्ति आंदोलन समन्वय समिति दलित विकास समिति आदि संगठनों द्वारा आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र ने की। दिवंगत विनोद रंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विनोद रंजन ताउम्र सामाजिक जीवन को जिया। वे समाज में गांधी विचार को फैलाने के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। वे गंगा मुक्ति आंदोलन के शुरुआती समय से सक्रिय भूमिका में रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विजय कुमार ने उन्हें याद करते हुए कहा कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के दौर में जब परिवर्तनकारी साथियों के खाने ठहरने का कोई इंतजार नहीं होता था, तब विनोद जी डमरू बजाकर सबके खाने का इंतजाम करते थे। ये अद्भुत लगन और समर्पण को दर्शाता है। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर के प्रकाश चंद्र गुप्त ने कहा कि अगर हम लोगों को पटना में कोई कार्यक्रम करना होता तो विनोद जी ही हमारे मार्गदर्शक होते। उदय ने संचालन करते हुए बताया कि विनोद रंजन पटना के रहने वाले गांधी और जयप्रकाश के रास्ते पर चलने वाले साथी थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनकी बीमारी की ठीक ठीक पहचान नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहाँ 9 दिसंबर को उनका निधन हो गया। विनोद रंजन जी का संपर्क देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं से था। पटना के किसी भी बड़े सामाजिक आयोजनों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण और योजक कड़ी की होती। हमें उनके कार्यकर्ता बनने की कहानी को लिखनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। गौतम कुमार ने बताया कि वे सामाजिक बदलाव के प्रखर समर्थक थे। उन्होंने युवावस्था से ही अंतरजातीय विवाह, महिला पुरुष समता, सामाजिक न्याय आदि के लिए आवाज उठाई। भागलपुर के साथ भी उनका गहरा संबंध रहा। गंगा मुक्ति आंदोलन, जगदीशपुर शराबबंदी आंदोलन, झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति जैसे आंदोलनों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए भागलपुर भी उनकी कर्म भूमि रही है। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हमने उन्हें जैसा युवा अवस्था में हंसता मुस्कुराता देखा था, वैसा ही अब तक देखता रहा। बड़ी पहुंच रखने के बावजूद अति साधारण जिंदगी जीने को अपना आदर्श बनाया। कार्यक्रम में उदय डॉक्टर मनोज, प्रकाश चंद्र गुप्ता, वासुदेव भाई, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अनीता शर्मा, गौतम कुमार, अर्जुन शर्मा, एनुल होदा, संजय कुमार, राम पूजन कुमार, संतोष मिंटू कलाकार, डॉक्टर उमेश प्रसाद, नीरज, मोहम्मद समीम, सुभाष प्रसाद, वीणा सिन्हा, संजय सुमन आदि मौजूद। विनोद रंजन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता थे। गांधी जयप्रकाश लोहिया की विचारधारा के लोग थे वहाँ से देने का, और पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक कार्यों में लगा दिया। सर्व सेवा संघ और गांधी निधि के वो अध्यक्ष भी थे। वो एक बेहतरीन आदमी थे, क्रांतिकारी थे, सहज सरल थे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हुआ करता है। आज जबकि जरूरत थी सबकी, सामाजिक कार्यकर्ता की, तो उनकी याद हम लोगों को बहुत बहुत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।